खरगोन। संतान प्राप्ति के लिए माँ बागेश्वरी की फुलेरा प्रसादी का जानिए महत्व। फुलेरा प्रसादी के साथ होती है गोद भराई की रश्म। खरगोन जिले में लगभग 700 वर्ष पुराना प्राचीन माता का ऐसा दरबार है जहाँ संतान प्राप्ति के लिए फुलेरा प्रसादी का वितरण किया जाता है, जिसे ग्रहण करने के बाद माँ के आशीर्वाद स्वरूप संतान सुख प्राप्त होता है। हम बात कर रहे हैं खरगोन में ब्रह्मनपुरी स्थित माँ बागेश्वरी मंदिर की। दरअसल बागेश्वरी माता का मंदिर लगभग 700 वर्ष पुराना है, जहां अति विचित्र दुर्लभ माता की पाषाण मूर्ति विराजित हैं। शारदीय नवरात्रि पर्व के चलते मां के दरबार में नियमानुसार परंपरागत प्रतिदिन महाती के साथ कई धार्मिक अनुष्ठान कराते हुए अलग अलग रूप देकर माता का भव्य श्रृंगार भी किया जाता है। माँ बागेश्वरी के दरबार में नवरात्रि पर्व के चलते अश्विन नवरात्रि के दूज की रात्रि में हाथ से गेहूं पीस दूध मिलाकर तीज की रात्रि में शुद्धता और पवित्रता के साथ पूरिया तली जाती है, जिसे फुलेरा प्रसादी कहा जाता है। अश्विन नवरात्रि की चतुर्थी को फुलेरा प्रसादी का भोग लगाकर उन महिलाओं को दिया जाता है जिनकी गोद सुनी हो। माँ के दरबार से मिलने वाली इस फुलेरा प्रसादी के सेवन से माता की कृपा से माँ का सुख प्राप्त होता है, जिसे ग्रहण कर माँ के दर्शनों के लिए दूर दराज से भक्तजन पहुँचते हैं और मनचाहा सुख प्राप्त करते हैं। पांच पीढ़ी से माँ की सेवा कर रहे पंडित जगदीश ठक्कर ने बताया कि शारदीय नवरात्रि पर्व के चलते हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर मनोकामना करते हैं। वही मंदिर परिसर में भजनों की शानदार प्रस्तुति दे रही महिलाओं ने भी फुलेरा प्रसादी का बड़ा महत्व बताया। एमपी न्यूज़कास्ट से प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। प्रसादी से गोद भी भरी जाती है जिससे मनोरथ पूरे होते हैं। हाँ, बहुत से जो पुत्र या संतान प्राप्ति के देह से आते हैं उनकी भी इच्छाएं पूरी होती हैं, माँ भगवती उनकी गोद भरती हैं। इस तरह उनकी बड़ी महिमा है। क्या सुना लिखते आप? मैं उषा तिवारी। सॉरी, मंदिर के बारे में जैसे क्या बताना चाहेंगे आप, जैसे पंडित जी यहाँ पे क्या? बागेश्वरी मैया के मंदिर के महिमा तो खरगोन बच्चा बच्चा और हर भक्त जानता है। सप्तशती पाठ के अंदर महा सरस्वती का स्वरूप आया है, घंटा गुलहरा ने संग मिले चक्रम धमता एकदम, तो उसी प्रकार माँ के आठों हाथों में अस्त्र शस्त्र जो धारण है ये महा सरस्वती का स्वरूप है। जगदम्बा बागेश्वरी इसको कहते हैं और यह बहुत पुराना मंदिर है। कम से कम 700 साल पूर्व हमारे पूर्वजों ने यहाँ खुदाई में माता जी निकले थे और खुदाई के बाद स्वयंभू माता जी होकर यहाँ विराजमान है। खरगोन का अधिष्ठा देवी, यहाँ दूर दूर से भक्त जन आते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेते हैं, मैया सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है और नवरात्रि में माँ के तीन स्वरूप के दर्शन लोग होते हैं। प्रातःकाल कन्या का स्वरूप प्राप्त होता है और मध्यान्ह समय यौवन और सायं का वृद्धावस्था के रूप में माँ भक्तों को अपनी भावना के अनुसार सबको दर्शन देती है। हर इच्छा पूरी माता करती है, जो भी मनोकामना मन क्या था। और विशेष हमारे यहाँ जो फुलेरा देख रहे हैं माता जी को, ये तीज की रात्रि को बनाया जाता है गाय के दूध से और अबोट में इसको तैयार किया जाता है और चतुर्थी के दिन इसका भोग लगता है मैया को और फिर 6 दिन तक यहीं पे टंगा रहता है माता जी छाया बन के। और वही फुलेरा कहलाता है जो माताएं मात्र सुख से वंचित रह जाती है, ऐसी माताओं को माता के द्वारा गोद ली जाती है और माताएं सबको माँ का दर्जा प्रदान करती है और सब भक्त दूर दूर से आते हैं और प्रसादी लेके जाते हैं। क्या सुना लिखते? मेरा नाम पुजारी जगदीश ठक्कर।